हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरंस किचन। मैं हूं मीनाक्षी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मक्का के पराठे की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। और बहुत से लोगों को क्योंकि मक्का का पराठा बेलना नहीं आता है, तो मैं आपको मक्का का पराठा बनाकर दिखाऊंगी ओडी इकोबेक के साथ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको सारे टिप्स भी बताऊंगी। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए पहली बार एक गिव अवे कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ। जो लकी विनर्स हैं उनको ओडी इकोबेक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस गिव अवे में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है उसके रूल्स भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो बातें बंद करते हैं और मक्का के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने बॉल ले लिया है। मैं सबसे पहले ले रही हूं एक कप मक्की का आटा। साथ में मैं डालूंगी बारीक कटे हुए मेथी के पत्ते, जिनको मैंने एकदम बारीक बारीक काटा है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं हमें। यहां मैंने प्याज काट के रखा है, बिल्कुल ऑप्शनल है। बहुत थोड़ा सा प्याज डालूंगी। एक हरी मिर्च है जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हाफ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूं। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। 1/4 टीस्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा पराठे का और हमें गैस भी नहीं होगी। अजवाइन डाइजेशन में भी हेल्प करती है। एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहां मैंने जो पानी लिया है वो थोड़ा गर्म है। मक्की का आटा लगाते हुए हमेशा थोड़ा गर्म पानी डालें। मैंने आधा कप पानी लिया था, बट अभी थोड़ा बचा लिया है। सारा एक बार में नहीं डाल रही हूं क्योंकि ये गर्म पानी है, तो इसलिए मैं इसको स्पून से ही मिक्स कर रही हूं। तो मैं अभी बचा हुआ पानी भी डाल देती हूँ। तो हमने टोटल एक कप मक्की का आटा लिया था, उसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। मैं इसको अच्छे से मसल देती हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसको हाथों से नीट कर लेंगे। ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसको स्पून को हटा देती हूँ और अभी हम हाथों से आटे को नीट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत इजीली बाइंड हो रहा है। हम देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुका है। हम इसको लेकिन अच्छे से इस तरह से मसलेंगे। ऐसे मसलने से रोटी जो होती है मक्की की, बहुत ही बढ़िया एकदम मुलायम बनती है। तो आप इसे 2 मिनट तक इसी तरह से मसलिएगा, उससे आटा एकदम मुलायम हो जाएगा। ये मसलने वाला स्टेप बहुत जरूरी है। मुझे आटे को इस तरह से मसलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए आटा हमारा एकदम बढ़िया, ये मुलायम आटा तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट से अपना पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। अभी हमें पराठे को बेलना है, तो मैं यहाँ पर ओडी इकोबेक शीट्स यूज कर रही हूँ। इस तरह से जब हम पराठा बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। यहाँ कटर है, मैंने काट लिया है इसको और सेम साइज की मैं एक और शीट काट लूंगी। तो इस तरह से जो मक्का की रोटी है वो बिल्कुल भी चकले पर चिपकेगी नहीं और हम इसको बहुत इजीली कुक कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ से 2 शीट्स कट कर ली हैं। अभी जो हमने आटा लगाया था, मैं इसमें से एक पोर्शन ले लेती हूँ। थोड़ा हमें बड़े साइज का ही लेना होता है। अच्छे से मैं इसको गोल कर लूंगी। थोड़ा सा हाथों से फैला रही हूं। अभी इस बेकिंग पेपर के ऊपर मैं बहुत थोड़ा सा घी लगा रही हूं ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल भी इस पर चिपके ना। थोड़ा सा घी मैं यहां ऊपर भी लगा दूंगी इसके। दूसरी शीट थी, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी और हम इसको हाथों से प्रेस करते हुए फैला देंगे। क्योंकि मक्की का आटा जो होता है वो ऐसा होता है कि उसको आप बेलन से नहीं बेल सकते हो, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको थपक कर रोटी बनानी नहीं आती तो आप इस तरह से रोटी पराठा कुछ भी बना सकते हो। ऐसे बेकिंग शीट्स के बीच में रख के हम उसको
एकदम गोल बढ़िया, जितना पतला आप करना चाहते हो उतना इसको कर सकते हो। परफेक्ट। अब इन शीट की खासियत है कि इसको हम डायरेक्टली कुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पैन पर रख लेती हूं। अब ये जो हमारा पराठा है मैं इसको पेपर के साथ ही तवा पर रख दूंगी सेकने के लिए। ऐसे करने से दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो हमारा तवा गंदा नहीं होगा और दूसरा इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत ही थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको सेकेंगे। तो अभी मैं इसको एक साइड से सिकने देती हूँ, फिर हम इसको पलट लेंगे। हम देख सकते हैं पराठा एक साइड से सिक चुका है, तो मैं इसको पलट लेती हूँ। वाओ परफेक्ट। पराठे को करारा करने के लिए मैं थोड़ा देसी घी लगा दूंगी इस पर, और भी हम इसको दोनों साइड से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। ये दूसरी साइड से भी लगता है सिक चुका है, तो मैं इसको पलट लेती हूँ। वाओ, इस साइड भी मैं थोड़ा घी लगा दूंगी। अब मैं इसको दोनों साइड से एकदम कुरकुरा कर लूंगी, हल्का हल्का ऐसे हम प्रेस करके जब सेकेंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एकदम क्रिस्पी पराठा तैयार है, तो मैं इसको सर्व कर लूंगी। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, देखिए जितना भी एक्सेस ऑयल था वो पेपर पे रह गया। मैं आपको हटाकर दिखाती हूँ पेपर को। तो ये जो हमारा पैन है, पैन हमारा बिल्कुल साफ है, और जो हमारा ये पेपर है इसको हम रीयूज करेंगे। तो इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी फटाफट बना लेती हूँ। तो मक्की के पराठे को मैं सर्व करूंगी थोड़े से बटर के साथ। यहाँ मेरे पास सरसों का साग भी है, थोड़ी सलाद भी है, आप चाहें तो इसे अचार चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ओडी इको बेक पेपर यूज करके हमने मक्की का पराठा बनाया है। आपको कमेंट करके बताना है कि आप ओडी इको बेक पेपर को यूज करके कौन कौन सी अलग अलग रेसिपीज बता सकते हैं। आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ओडी यूनिराइव के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों लकी विनर्स को ओडी इको बेक के साथ साथ ओडी यूनिराइप्स भी मिलेंगे। आप यूनिराइप में अपने फूड को पैक कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आप उसमें पैक किए हुए फूड को माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज बना सकते हैं। टॉप लकी 20 विनर्स को जिनके कमेंट्स बेस्ट होंगे उन्हें ओडी यूनिराइप्स की तरफ से गिफ्ट हैंपर्स मिलेंगे। तो चलिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट वीक मैं विनर्स के नेम्स अनाउंस करूंगी। तब तक के लिए बाय।